स्वागत है आपका इन कन्वर्सेशन में, और थैंक यू. कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द मूवी. वी हैव सीन द स्क्रीनिंग हैज गॉन इन द इंटरनेशनल लेवल, और जी बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिला है आपके किरदार थैंक को. यू, थैंक यू सो मच. किस तरह से किस तरह से खुशी होती है, किस तरह से अप्रिसिएशन मिलता है? अच्छा ही लगता है. आई थिंक हिंदुस्तान की स्टोरी है, पार्टीशन के ऊपर है. जितने ज़्यादा लोग देखें स्टोरी के बारे में जाने, अच्छा ही लगता है. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी पहली इंटरनेशनल फिल्म इतने अहम मुद्दे के ऊपर है और इतने ब्यूटीफुल तरीके से बताई गई है. गोविंदी जी की बात करें तो उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस वर्किंग सीन के? उन्होंने सबसे पहले ऐश्वर्या जी के साथ काम किया, शबाना आजमी के, नाउ यू, किस तरह से एक्सपीरियंस? फिर बहुत अच्छा लगा. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीमेल फिल्म मेकर. मुझे बहुत मज़ा आता है स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ काम करने में, क्योंकि वो आपको पुश करते रहते हैं और बेहतर करने के लिए. तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. जो कैरेक्टर आपका बिल्कुल तो किस तरह से चैलेंजिंग रहा कैरेक्टर, क्या चैलेंजिंग तो था ही, पीरियड फिल्म है तो एक पर्टिकुलर तरीके से बात करनी थी, एक पर्टिकुलर अंदाज में बोलना था. पार्टीशन के ऊपर फिल्म है तो बहुत रिसर्च की गई इसके ऊपर. तो जैसे मुझे बताया गया, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, तो आई फॉलो माई डायरेक्टर ब्लाइंडली. सो सबसे चैलेंजिंग क्या रहा मूवी में, एनी डिफिकल्ट पार्ट यू वांट टू प्ले, और आपको ज़्यादा वक्त लगा हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था. सब कुछ नहीं था. तो मूवी की बात करें तो पीरियड मूवी है, पार्टीशन के ऊपर है, तो मूवी करने से पहले आपका क्या सोच थी पार्टीशन को, मतलब जब पार्टीशन नाम आता था दिमाग में तो क्या थिंक आती थी, और मूवी करने के बाद क्या लग रहा है? वेल, बदला तो पता नहीं शायद, बट जब पार्टीशन के आप जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारे, इट्स वेरी इमोशनल वर्ड सब कॉन्टिनेंट के लिए. तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है, गुरिंदर ने जो इसके ऊपर रिसर्च की है, वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स को लेके ये फिल्म की स्क्रिप्ट आधारित है जो कुछ साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लासीफाई किए, जो ये लाइट डालते हैं ऐसे रीज़न के ऊपर जिनकी वजह से पार्टीशन हुआ, जो हमको भी नहीं पता थी, जो मुझे भी नहीं पता थी. एंड आप जब फिल्म देखेंगे तो वो रीज़न्स क्या थे, जो असल रीज़न थे पार्टीशन होने के, वो फिल्म में उसके बारे में बातचीत की गई है. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड. आई डू नॉट नो अबाउट दैट पार्ट ऑफ आर हिस्ट्री. बट आई थिंक एज इंडियंस वी शुड नो अबाउट आर हिस्ट्री, वी शुड नो अबाउट आर पास्ट, बिकॉज हम जब पास्ट को ठीक से समझेंगे तभी अपना फ्यूचर बेहतर बना पाएंगे. एंड आई थिंक इफ़ यू लुक एट पीपल एंड वी अंडरस्टैंड दैट दे आर पीपल एंड वी सेलिब्रेट उनके कल्चर्स, उनके रिलीजन्स, उनका रहन सहन, तो आई थिंक वील बी मोर हैप्पी टुगेदर एज अ सिविलाइजेशन. प्रियंका हॉलीवुड मूवी कर रही हैं, आप भी उन्हीं लिस्ट में आ गई हैं, कितना प्राउड फील करती है इंडिया को रिप्रेजेंट करना ऑन अनदर कंट्री? आई डोंट नो यार, आई एम तो जस्ट डूइंग माय वर्क. अब पता है किस्मत की बात है कि इंटरनेशनल फिल्म है, किस्मत की बात है, लिस्ट विस्ट तो पता नहीं. आई एम जस्ट हैप्पी टू डू माय वर्क. हाउ मच हाउ इज द फर्स्ट रिएक्शन व्हेन यू गॉट हर्ट के मूवी? आई वाज वेरी हैप्पी, ऑफ कोर्स आई वाज वेरी हैप्पी. आई ऑलवेज वांट टू वर्क विद गुरिंदर, बहुत कमाल की फिल्म मेकर हैं, इतनी बढ़िया फिल्में बनाई हैं, तो ऑफ कोर्स आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वर्क विद हिम. गुरिंदर जी की बात करें तो उन्होंने दो तीन लाइक एक्ट्रेस के साथ काम किया है बॉलीवुड की, तो उनका क्या देखने का नज़रिया है बॉलीवुड एक्ट्रेस को और बॉलीवुड मूवीज़ को? बस शुरुआत में तो वो थोड़ा डरी हुई थी, क्योंकि उनको लगा था कि कहीं ना, क्योंकि बहुत इमोशनल फिल्म है, तो हर फियर वाज कि कहीं ज़्यादा फिल्मी ना बन जाए, क्योंकि वो एक ऑनेस्ट कहानी बनाना चाहती थी. थोड़ा सा उनको आई थिंक एप्रिहेंशन था, तो जितना हमने साथ में काम किया वो एप्रिहेंशन धीरे धीरे चला गया. तो अभी हमने सुना है कि आप रजनीकांत जी के साथ भी काम कर रहे हैं काला में, तो क्या स्टेटस है रजनीकांत मूवी की? मतलब अभी हम शूटिंग कर रहे हैं, अभी मैं कल ही वापस आई चेन्नई से, वहाँ पे शूटिंग चल रही है और अब प्रमोशन खत्म होते ही वापस वहाँ जाऊँगी. बॉलीवुड लेजेंड हमारे दिलीप कुमार साहब, उनकी तबीयत नासार है, जी नहीं है, तो क्या उनकी क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, उनकी कोई मूवी, उनकी गाना? नो, आई जस्ट होप एंड प्रे दैट ही गेट्स वेल रियली फास्ट. ही इज एन आइकॉन एंड अ लेजेंड एंड आई प्रे फॉर हिज स्पीडी रिकवरी. थैंक यू सो मच. थैंक यू.